हिंदुस्तान भर की सीमाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के जवान जहां एक तरफ झुलसा देने वाली भीषण गर्मी से लेकर हाड़ कपा देने वाली ठंड में पहाड़ों से रेगिस्तान तक दुश्मनों से सीमाओं को महफूज रखने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं बीएसएफ की महिला जवान भी किसी से कम नहीं है और पुरुषों से भी एक कदम आगे रहने वाली ये जाबाज महिला जवान सीमा भवानी के नाम से जानी जाती है, जो इस बार गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर बुलेट जैसी भारी भरकम मोटरसाइकिल पर ऐसे खतरनाक स्टंट दिखाएंगी जिन्हें हर कोई दांतों तले उंगली जरूर दबा लेगा। तो इन्हीं बहादुरी और जाबाज महिला जवानों की प्रैक्टिस आप देख रहे हैं। सीमा भवानी के नाम से संबोधित की जाने वाली बीएसएफ की ये महिला जवान नारी सशक्तिकरण का न सिर्फ एक उम्दा और जबरदस्त उदाहरण है बल्कि महिलाओं को पुरुषों से कम आंकने वाले लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी है। इनके साहस और पराक्रम की वजह से ही इन्हें आदिशक्ति माँ भगवती के भवानी नाम से जाना जाता है। यूं तो आपने हर बार गणतंत्र की परेड में बुलेट मोटरसाइकिल पर पुरुषों को कर्तव्य करते जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का विशेष रूप से आयोजन किया जा रहा है, जहां दूसरी बीएसएफ के जाबाज महिला जवान अपनी बहादुरी और आपसी तालमेल को पूरे देश के सामने दिखाएंगी और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं समेत विदेशी मेहमान और पूरा देश हम लोग जो इवेंट करने जा रहे हैं वो नेशनल लेवल का है। 26 जनवरी परेड के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम लोग पूरा टीम 26 जनवरी में आए थे। तो हम में राइडर्स ऐसे थे जिन्हें साइकिल भी नहीं चलाना आता था, और जब टाइम आया बुलेट चलाने का तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उनके मोटिवेशन से और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से हमने इवेंट्स किए। और सब इन सब चीज़ों के बीच में एक मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है जब आप ऐसे इवेंट्स करते हैं, क्योंकि इवेंट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेंटली कम्फर्टेबल हैं तो आप इवेंट पर अपनी एक्रोबेटिक मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।